में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। दिल्ली से कम नहीं रहा अब गिधौरी, हर पल जाम की स्थिति बनी रहती है। जी हां, कसडोल बालोदा बाजार भाटापारा जिला के कसडोल विकास खंड अंतर्गत महानदी के किनारे बसे गिधौरी आज की स्थिति में ऐसी जगह बन गई है जो राजधानी रायपुर सहित कई जिलों को जोड़ती है। इसके बावजूद भी यहाँ हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। जिम्मेदार लोग इस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते दिखाई दे रहे हैं। गिधौरी में इन दिनों सीसी रोड सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी कछुआ चाल गति से निर्माण किया जा रहा है। गिधौरी चौक पर लगातार जाम की स्थिति हर पल बनी रहती है। रोज आवागमन बाधित होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इस मार्ग पर सिवरी नारायण से बालोदा बाजार गिधौरी कसडोल तक धूल के गुब्बारों से लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। और यहाँ तो नेशनल हाईवे राजमार्ग कहलाने वाले रायपुर में सरपलाई बसना रायगढ़ मार्ग पर सिर्फ छोटे गाड़ी चल रहे हैं, क्योंकि बालोदा बाजार गिधौरी होते हुए नारायण केरा खरसिया रायगढ़ की कम दूरी पाने के कारण इस मार्ग पर सैकड़ों बड़े वाहनों का चलना सिलसिला लगातार जारी है, जिनके कारण सड़क की दुर्दशा खराब या उखड़ने शुरू हो गए हैं। और बड़े वाहनों ने अपनी कम दूरी तय करने के साथ साथ नेशनल हाईवे पर टैक्स बचाने के चक्कर में ओवरलोड कैप्सुलर ट्रेलर ट्रक इत्यादि बड़े वाहनों के चलने से आम जनता को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह जाम दिल्ली में भी नहीं लगता होगा, इसीलिए यहाँ के लोगों का कहना है कि अब गिधौरी भी दिल्ली से कम नहीं रहा। गिधौरी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस भी अपना पूरा जोर व्यवस्था करने में लगा हुआ है, फिर भी जाम की स्थिति लगातार बढ़ती ही जा रही है। शासन प्रशासन से लेकर ठेकेदार द्वारा भी सड़क निर्माण में लेट लतीफ के कारण व्यवस्था ठीक से नहीं होने के कारण यहां जाम की नौबत बनी रहती है। और ना ही चौक पर तो सड़क निर्माण के लिए कोई बोर्ड लगाया गया है, जिसके कारण सही मापदंड से भी सड़क निर्माण नहीं हो रहा है। पूर्व में जहां पुल नदी बना हुआ था, वहां पर भी नाली निर्माण किया जा रहा है और ठेकेदार द्वारा निर्माण किया जा रहा है, उसमें भी आधे अधूरे कहीं कहीं छोड़ दिए गए हैं। राहगीरों को होते हुए परेशानी गिधौरी पर जाम के कारण जनप्रतिनिधि के यथावत व्यवस्था करने की है।